सोलन नगर निगम चुनाव 7 अप्रैल को होने जा रहे हैं। चुनाव पास आता देख अब भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। आजाद उम्मीदवार भी इन चुनावों को जीतने के लिए पूरा दमखम दिखा रहे हैं। नगर निगम सोलन का ये पहला चुनाव है, इसलिए सभी राजनीतिक दल इसे जीतने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस ने 17 वार्डों में अपने अपने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं, जिन पर वार्ड में जीत हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वार्ड नंबर 7 से जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्शन सिंह सैनी को प्रभारी बनाया गया, जो कि संभावित प्रत्याशी सोना नाहर के पक्ष में लक्कड़ बाजार में वोट मांगते नजर आए। जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्शन सिंह सैनी ने कहा कि जिस तरह भाजपा ने पंचायती राज चुनावों में जीत हासिल की है, उसी तरह वह सोलन नगर निगम में भी जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने वार्ड में जा रहे हैं और लोगों से जो प्रतिक्रिया मिल रही है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा सभी 17 वार्डों में जीत हासिल करेगी। कांग्रेस का सोलन में भी सुपड़ा साफ होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास का दूसरा नाम है, जिसके दम पर जो लहर लोकसभा के चुनावों में चली वे आज तक नहीं रुक पाई, इसलिए वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सोलन में करीब 80% वोट भाजपा को मिलेंगे और कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। देखो, भाजपा का तो एक ही मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। विकास के नाम पे ही वोट मांगते हैं हम, जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे हम वोट नहीं मांगते, विकास के नाम से वोट मांगते हैं। और विकास से नाम से ही भाजपा को वोट मिलती है। जहाँ तक वार्ड नंबर 7 की बात है, वार्ड नंबर 7 में मैं जिस दिन से लगा हूँ यहाँ पे, तकरीबन 4-5 दिन मेरे को लगे हो गए हैं, और बहुत अच्छा माहौल है। अभी पंचायती चुनाव अभी क्लोज हुआ थोड़े दिन पहले, जैसा माहौल पंचायती चुनाव में था भाजपा के पक्ष में, ऐसा ही माहौल मैं नगर निगम सोलन में देख रहा हूँ। कांग्रेस तो यहाँ पे मेरे को तो जहाँ तक मैंने देखा है, कांग्रेस तो आज यहाँ पे 20% में भी नहीं है, क्योंकि लोगों की भावना से पता चल जाता है। जब हम वोट मांगने लोगों के पास जाते हैं, उनकी बात हम सुनते हैं और अपनी बात सुनाते हैं, तो हर आदमी कहता है जी मोदी जी, जयराम ठाकुर जी और फूल का निशान, यही बात करते हैं। इससे तो ऐसा लग रहा है भाई कांग्रेस नाम की यहाँ पे सोलन में कोई बात ही नहीं चलेगी। आप इस वार्ड नंबर 7 को छोड़ दीजिए, मैं पूरे सोलन की बात करता हूँ, भी कांग्रेस कहीं भी टिक नहीं पाएगी। टिक की लहर तो लोकसभा से चली हुई है, लोकसभा में आपने देख दिया 69% वोट भाजपा को गई, इतिहास रचा गया। सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाली जो हमारी कांगड़ा सीट है, वो हिमाचल से है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो वोटें मिली हैं कांगड़ा सीट पे मिली हैं, और 69% वोट भाजपा को मिली है। और अभी जो मिली है हमें वोट, तकरीबन 75% वोट पंचायती राज में जो पंचायती चुनाव हुए वो भाजपा के पक्ष में गई। चाहे आप जिला परिषद चेयरमैन की बात ले लो, चाहे BDC चेयरमैनों की बात ले लो, चाहे प्रधानों की बात ले लो, चाहे वार्ड पंचों की बात ले लो, एक मतलब लहर थी, जैसे लोकसभा में लहर थी, 69% वोट हमें मिले और 75% के करीब हमें पंचायती राज में हमें वोट मिले हैं। ऐसे ही जो यहाँ से मेरी फीलिंग ऐसा है अभी यहाँ पे हमें नगर निगम सोलन में 80% के करीब हमें वोट मिलेगी, और कांग्रेस तो यहाँ कहीं भी टिक नहीं पाएगी। ये कुछ भी कर ले, कैसे कर ले, सुपड़ा साफ हो जाएगा सारा, जैसे हमने पंचायती इलेक्शन में किया है इनका।